Welcome to my lectures. I am your Pakistan Studies lecturer, Midat Abbas. Students, we are on chapter 2, which is Pakistan Movement and Emergence of Pakistan. So far, we have come along a long way and we have to discuss the third political change in the country. Chale, let's continue. Let's get a quick recall. We discussed the era of Ayub Khan. ये वो इरा था विच वॉज कॉल्ड द डेकेट ऑफ डेवलपमेंट इस इरा में पाकिस्तान ने मुशी तौर पे बहुत ज्यादा ग्रो किया सोशली भी इंडस्ट्रियली भी इसीलिए इसको डेकेट ऑफ डेवलपमेंट कहा गया हावए जहां पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रंट पे इतना ग्रो कर रहा था वहां साथ साथ अयूब खान जो है उसकी जो फेम है वो जनरल पब्लिक में कम होती जा रही थी उसका रीजन ये था क्योंकि अयूब खान वॉज फ्रॉम द मिलिट्री ही वॉज अ जनरल सो ही वॉज यूज टू द डिकेटरशिप जो डिक्टेटरशिप जब उसने आवाम पे या नेशन पे या कंट्री पे जब इम्पोज की तो लोगों को बहुत ज्यादा कोई खुशी नहीं हुई वन मोर रीजन वॉज दैट फातमा जना मादर मिलत सिस्टर ऑफ आर कायद आजम शी लॉस्ट इलेक्शन टू अयूब खान अब देर वेनी लूप होल्स देयर एज वेल सो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जहां इकोनॉमिक ग्रोथ तो रही लेकिन लोगों में मकबूलियत जो है वो ऐब खान की कम होती गई सो इट ब्रॉट द डाउनफॉल ऑफ द गवर्मेंट ऑफ अयूब खान और इसके साथ अयूब खान की जो गवर्नमेंट है वो अपने अख्ताम पर पहुंच गई लेट्स डिस्कस द रीजन विच लेड टू द डाउनफॉल एंड देन वील सी के डाउनफॉल के बाद आगे पाकिस्तान ने पोलिटिकली कैसे कंटिन्यू किया द डाउनफॉल ऑफ अयूब खान ब्रॉट एन अदर मिलिट्री रूलर विच वॉज जिया खान अयूब खान भी एक मिलिट्री रूलर था और अयूब खान के जाने के बाद दोबारा मार्शल लॉ लगा पाकिस्तान में एंड इट वॉज या खान सो रीजन फॉर फेलियर ऑफ अयूब खान डिफीट ऑफ फातिमा जना जैसा मैंने भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया इसके बारे में वो इस तरह हुई क्योंकि जो नेशन थी इट वॉन्टेड फातिमा जना टू विन वाई बिकॉज शी वॉज द लेडी हु हैड एफर्टलेसली फॉर द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान उनको ना सीट का शौक था ना रुतबे का शौक था शी जस्ट वॉन्टेड टू वर्क फॉर द नेशन ऑफ पाकिस्तान उधर दूसरी साइड पे इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए क्योंकि अयूब खान ने जब गवर्नमेंट बनाई और कॉन्स्टिट्यूशन बनाई 1962 की तो उसके बाद जो फोर बेसिक फॉर्म्स उसने इंट्रोड्यूस की थी जिसमें तहसील काउंसिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ये चीजें इन्वॉल्व थी उनके अकॉर्डिंगली इनडायरेक्ट इलेक्शन कर लिए अयूब खान ने जिसकी बिना पे जो रिप्रेजेंटेटिव थे लोगों के उन लोगों ने अयूब खान को ही चूज कर लिया इसके नतीजे में लोगों ने अयूब खान के ऊपर जो है वो मेनिपुलेशन का इल्जाम लगाया दे था और ये जान पूछ के किया गया ताकि जो पावर है जो ताकत है वो अयूब खान के हाथ में रहे हाव एवर इन द रियलिटी इट वॉज नॉट द केस लेकिन लोगों के दरमियान मकबूलियत अयूब खान की कम होने लगी देन दाशकन ट्रीटी जो ताशकन ट्रीटी अयूब खान ने साइन की विद इंडिया बिकॉज इंडिया का उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर था वो था अटल बिहारी वाजपेयी उसके साथ जब ये ट्रीटी साइन हुई फॉर द पीस पर्पजेज तो लोगों के अंदर रिएक्शन आने लगा देवर अनहैप्पी इस पे भी लोग जो थे वो बहुत नाखुश थे इसका ये नतीजा निकला कि द स्टूडेंट प्रोटेस्ट दे स्टार्टेड जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स थे उन्होंने सड़कों पर निकल के अयूब खान के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू कर दिए एक तरफ जहां यह हो रहा था दूसरी तरफ जब ये वजह भी थी उसकी मकबूलियत खत्म होने की तो किसी ने जो इकोनॉमिक ग्रोथ का इरा था उसको नोटिस नहीं किया वो नोटिस इसलिए नहीं किया बिकॉज द बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ कुड नॉट रीच द जनरल पब्लिक क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ इंटरनेशनली आ रही थी वो जनरल पब्लिक को उस वक्त समझ नहीं आ रही थी ना नजर आ रही थी ना समझ आ रही थी बिकॉज इट वॉज ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट और उसका टाइम गुजरता तो उसके इफेक्ट लोगों को नजर आते सो so, इसलिए इस चीज को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया उस टाइम में देन इसकी वजह से सिंस जो फ्रेमवर्क बनाया हुआ था अयूब खान ने ड्यू टू दैट द वेल्थ जो भी लोन्स जो भी एड्स, जो भी फाइनेंशियल चीजें या इकोनॉमिक ग्रोथ का पैसा जो आया पाकिस्तान में इट वॉज एक्यूमिलेटेड इन फ्यू हैंड्स वो कुछ हाथों में ही जमा होकर रह गया बिकॉज दे विल होल्स इन द लीगल फ्रेमवर्क

जुल्फकार करके वहां से बाहर आया तो उसने पोलिटिकल फ्रंट पे अपनी एक पोलिटिकल पार्टी फॉर्म कर ली जिसका नाम था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब ये एक ऐसी पार्टी थी जो जुल्फार अली भुट्टो का कहना था कि एक अवामी पार्टी थी सो इट वॉज कॉल्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिकॉज ही थॉट इट वुड रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ पाकिस्तान जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसका टर्न बहुत अजीब हो गया था पब्लिक प्रेशर बहुत बढ़ गया था द पॉलिटिकल लीडर्स वर अनहैप्पी विद अयूब खान तो अयूब खान ने क्या किया कि ही अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन मार्च 1969 उसने मार्च 1969 में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें उसने सारे पोलिटिकल पार्टी के लीडर्स को इन्वाइट किया ताकि कोई हल निकाला जा सके बट दिस कॉन्फ्रेंस वॉज वेरी अनसक्सेसफुल सो जब अनरेस्ट बढ़ गया लोगों की ऑपोजिशन बढ़ गई पोलिटिकल पार्टीज की भी ऑपोजिशन बढ़ गई और पब्लिक प्रेशर के अंडर आके नाइनटीन में अयूब खान ने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन कर दिया नाउ अगैन दे वॉज द पोलिटिकल चेंज और अब कौन भागदौड़ संभालेगा मुल्क की इट वॉज द क्वेश्चन जनरल याया खान इम्पोज मार्शल लॉ ऑन ट्वेंटी फिफ्थ मार्च नाइनटीन सिक्सटी नाइन हेयर कम्स इन अदर मिलिट्री लीडर बींग द फर्स्ट कंट्री जिसमें कंजेकेटिव दो मार्शल लॉ इम्पोज हो गए ही टुकअप द बागदौड़ी अपने हाथ में इसलिए संभाली जनरल इलेक्शन टू हैंड ओवर कंट्रीज रूल्ड द पोलिटिकल लीडर उसने संभाली इसलिए ताकि कंट्री में अनरेस्ट ना रहे मुल्क में लोग घबराए और परेशान ना हो और जनरल इलेक्शन होंगे उन्नीस सौ सत्तर में जिसके अकॉर्डिंगली जो भी पोलिटिकल पार्टी जीतेगी उसको ये कंट्री की बागदौड़ दे दी जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशनिश्ड एंड एन इंटेरम कॉन्स्टिट्यूशन मेड कंसल्टेशन ऑफ लीडर्स अब सिंस अयूब खान को डिक्टेटरशिप के वजह से नापसंद किया जाता था जो जो कॉन्स्टिट्यूशन अयूब खान ने बनाई थी सिंस गवर्नमेंट उसकी खत्म हो गई तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को भी खत्म कर दिया गया लेकिन उसकी जगह एक इंटेरम कॉन्स्टिट्यूशन बनी याद कीजिएगा मैंने आपको बताया था कि इंटेरम का मतलब होता है आर्जी तौर पर तो एक आर्जी कॉन्स्टिट्यूशन बनी कि जब तक नई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पावर में नहीं आएगी तब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इम्पोज़ रहेगी लेकिन उसने ये अकलमंदी की कि उसने ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उस वक्त के पोलिटिकल पार्टी के लीडर्स को इन्वॉल्व करके बनाई उनकी अग्रीमेंट के साथ बनाई और इस कॉन्स्टिट्यूशन को या इस इंटायरम कॉन्स्टिट्यूशन को लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर का नाम दिया गया So that it will be in place, ये तब तक रहेगी जब तक के इलेक्शन के रिजल्ट आके कोई भी पोलिटिकल लीडर गवर्नमेंट की जो भागदौड़ा वो अपने हाथ में नहीं संभाल लेता नाउ लेट्स जस्ट है लुक एट द डिटेल ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर अगर हम बात करें तो नवंबर नाइनटीन सिक्सटी नाइन में एक कमीशन सेटअप की आया खान ने टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन उसने एक कमीशन सेटअप की जो ये फाइनलाइज करेगी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की बनेगी फॉर आर्जी तौर पे, वो पॉलिटिकल लीडर्स की इन्वॉल्वमेंट के बाद बनेगी सो फाइनली आफ्टर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लीडर्स ऑन थर्टी मार्च 1970, ओ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर वॉज फाइनलाइज उस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जो सेलियन फीचर्स थे वो कुछ यूं थे वन यूनिट वॉज एलिमिनेटेड फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान एंड ऑल फोर प्रोविंस वीस्टोर्स वेस्ट पाकिस्तान में जो पांच यूनिट्स थे उनमें से एक को ख़त्म कर दिया गया और चार प्रोविंस बना के रिस्टोर कर लिया गया सो दिस वॉज अ ज्योग्राफिकल चेंज सेकेंड द पीपल वर गिवन द राइट टू वोट डायरेक्टली फॉर द इलेक्शन ट्वेंटी वन ऑफ एज वॉज फिक्सड फॉर वोटिंग आवाम को हक दे दिया गया कि वो खुद वोट करके अपना पोलिटिकल लीडर चूज कर सकती है और एज सेट कर दी गई लिमिट कि 21 साल से सिर्फ ऊपर का आदमी वोट कास्ट कर सकता है जिसका मतलब यह था कि सिर्फ उसकी ओपिनियन को अंडर लाया जाएगा थर्ड द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफ सीट्स नेशनल असेंबली बिटवीन प्रोविसेज वॉज एलिमिनेटेड एंड ऑल सीट्स अकॉर्डिंग टू देर पॉपुलेशन जो नेशनल असेंबली में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन थी सीट्स की कि हर प्रोविंस की इक्वल नंबर ऑफ सीट्स होंगी उसको खत्म कर दिया गया उसकी जगह

और इसके साथ साथ औरतों को यह भी राइट दिया गया कि वो बाकी जनरल सीट्स के लिए भी खड़ी हो सकती हैं फोर्थ वॉज द मिनिमम एज ऑफ द कैंडिडेट वॉज फिक्स एट ट्वेंटी फाइव ईयर टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होना चाहेगा उस कैंडिडेट की जो एज है वो 25 साल मुतयन कर दी गई कि इससे कम उम्र जो है वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता इफ द न्यू नेशनल असेंबली फेल्ड टू ड्राफ्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विद इन ट्वेंटी डेज द असेंबली वुड बी डिजोल्व अगर नेशनल असेंबली इलेक्ट होने के बाद नई कॉन्स्टिट्यूशन 120 दिनों के अंदर अंदर ना बनाई गई तो जो नेशनल असेंबली बनी होगी उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा अब इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर को जब इंट्रोड्यूस कर दिया गया फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो उसमें मेनली कुछ और भी चीजें थी वो चीजें क्या थी द कंट्रीज फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टू बी फेडरल अब ये वो चीजें थी जो नई जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी उनमें इन्वॉल्व करना जरूरी था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी वो फेडरल होगी मतलब सेंट्रल एक गवर्नमेंट बनेगी द नेम ऑफ द कंट्री वॉज टू बी द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कंट्री का नाम हमारे मुल्क का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में कन्वर्ट कर दिया जाएगा इस्लामिक आइडियोलॉजी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज वर टू बी इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इस्लामिक वैल्यूज हैं जो आइडियोलॉजी है वो वैसे ही रहेगी जैसे पिछली कॉन्स्टिट्यूशन में रही है देन सिटीजन्स वर टू एक्सरसाइज द बेसिक राइट फ्रीली जो मुल्क के लोग होंगे उन लोगों को अपने राइट्स एक्सरसाइज करने दिए जाएंगे फ्रीली इंडिपेंडेंस मिलेगी उनको द जुडिशरी हैड टू बी इंडिपेंडेंट फ्राम एडमिनिस्ट्रेशन और जो जुडिशरी होगी वो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग से या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर से अलग होगी अब ये कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स थे जो कि नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड होंगे और ये एक फ्रेमवर्क था विच वॉज गिवन जिसके अकॉर्डिंगली इलेक्शन आगे होल्ड किए जाएंगे सो यस दिस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर केम आउट टू बी द बेसिस फॉर द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अब लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अकॉर्डिंगली जनरल इलेक्शन वो हेल्ड इन 1970, 1970 के जनरल इलेक्शंस, फर्स्ट इलेक्शन बेस्ड ऑन अडल्ट अकॉर्डिंग टू लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर ये ऐसे पहले इलेक्शन थे पाकिस्तान में जो हो रहे थे जिसमें अडल्ट वोटिंग इन्वॉल्व थी कि लोग खुद वोट करके अपना लीडर चूज करेंगे सो so, इस वजह से देर वॉज ग्रेट इंथ्यूजियाजम ऑफ पब्लिक लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे बहुत ज्यादा जोश और जज्बा था लोगों में देन देर वॉज अनादर फैक्टर डेट ऑल पोलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेटेड और उस वक्त जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज थी ईस्ट ओ वेस्ट पाकिस्तान में दे ऑल पार्टिसिपेटेड इन दीज इलेक्शन सो जो ये इलेक्शन हैं वो फेयर भी थे और ये रिप्रजेंट भी कर रहे थे लोगों को लाइक अ डेमोक्रेसी अब इन इन इलेक्शन में जो मेन दो पार्टीज थी वो थी पीपल्स पार्टी और अवामी लीग पार्टी ये दो मेजर पार्टीज थी जो उस वक्त फेमस भी बहुत थी और पीपल पार्टी तो स्पेशली फेमस हुई थी अपने स्लोगन की वजह से जो था ब्रेड क्लोथिंग शेल्टर, व्हिच इज रोटी कपड़ा एंड मकान उनका ये स्लोगन था कि जितने भी लोग हैं पाकिस्तान के उनका बेसिक राइट है कि उनको रोटी कपड़ा और मकान मिले सो so, ये उनका स्लोगन था जो कि उस वक्त लोगों में बहुत फेमस हुआ था नाउ टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ द 1970 इलेक्शंस इलेक्शंस हो गए जो रिजल्ट आए वो कुछ यूं थे आवामी लीग इमर्ज्ड एज अ मेजॉरिटी जो आवामी लीग पार्टी थी वो जो है वो मेजोरिटी के तौर पे जीत के सामने आई 167 सिक्सटी सेवन आउट ऑफ थ्री हंड्रेड सीट्स ऑफ नेशनल असेंबली वन सिक्सटी सेवन सीट्स जो थी वो उसने जीती थी आउट थ्री हंड्रेड सीट्स ऑफ द नेशनल असेंबली प्रोविंशियल असेंबलीज में भी कुछ ऐसा ही हाल था जिसमें नेशनल अवामी लीग वॉज इन द मेजॉरिटी ईस्ट पाकिस्तान में आउट ऑफ थ्री हंड्रेड सीट्स टू एटी एट सीट्स ली थी सो यस दिस अवामी लीग वॉज द मेजर विनर अब हुआ क्या पीपल पार्टी का जो था इट वॉन्ट मेजॉरिटी इन पंजाब एंड सिंध और वेस्ट पाकिस्तान की हालत थी और नेशनल अवमी पार्टी और जमेत जो है वो एन एफ पी जो कि अब खैबर पख्तूनख्वा है उसमें और बलोचिस्तान में उनकी मेजॉरिटी थी तो इट वॉज फिफ्टी फिफ्टी ईस्ट पाकिस्तान में इट वॉज टोटल मेजॉरिटी इन वेस्ट पाकिस्तान इट विफ्टी फिफ्टी जिसमें पीपल्स पार्टी वॉज द मेजॉरिटी इन टू ऑफ पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान में हुआ ये कि जो पोलिटिकल लीडरशिप थी ऑफ वेस्ट पाकिस्तान इट डिड नॉट एक्सेप्ट द मैनिफेस्टो ऑफ नेशनल अवमी पार्टी नेशनल अवामी पार्टी का जो मैनिफेस्टो था वो अनएक्सेप्टेबल था पोलिटिक पीपल्स पार्टी को जब उनको ये बात अनएक्सेप्टेबल थी और उन्होंने 50 परसेंट एरिया में मेजॉरिटी ली थी तो जो ट्रांसफर ऑफ पावर था वो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था थोड़ा डिले हो गया था जब ये डिले हुआ तो जो ईस्ट पाकिस्तान है उस तरफ लोगों में जो है वो अनरेस्ट होना शुरू हो गया कि ये डिले क्यों आ रही है

और सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई गई कि एक सिविल वॉर लेने लग ये सिचुएशन अब वो सिविल वॉर क्या थी एक्सेलेंट वो सिविल वॉर थी 1971 की वॉर अब हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके कॉजेज और उसके इवेंट्स डिस्कस करेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज